नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज हम समझने वाले हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन और प्राइवेट इंटरेस्ट लिटिगेशन दोनों में अंतर। हम लोगों ने कई बार नाम सुना है जनहित याचिका का, लोकहितवाद का नाम सुना है, तो इसी प्रकार लोकहितवाद और निजी हितवाद क्या होता है, इन दोनों में अंतर समझने की आज हम कोशिश करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। टुडेज लेक्चर इज पब्लिक वर्सेस प्राइवेट इंटरेस्ट लिटिगेशन, मीन्स पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वर्सेस प्राइवेट इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसे हम हिंदी में कहेंगे लोकहितवाद याचिका या जनहित याचिका बनाम निजी हित याचिका। तो इन दोनों में क्या अंतर होता है, सबसे पहले इन दोनों टर्म को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले लोकहितवाद, नाम से स्पष्ट हो रहा है, लोकहित यानी ऐसा वाद, ऐसी याचिका जो न्यायालय में लगाई जाती है जिसमें पब्लिक इंटरेस्ट छुपा रहता है, जिसमें समाज का भला, समाज के कल्याण, समाज के डिप्रेस्ड वर्ग के लिए, एससी एसटी के लिए, वृद्ध लोगों के लिए या कमजोर वर्ग के लिए कुछ मांग की जाती है, यानी जो याचिका जो याची जाता है न्यायालय में वो अपने लिए कुछ नहीं मांगता है, वह समाज के लिए कुछ मांग रहा है और वो न्यायालय से चाहता है कि न्यायालय को इसमें डायरेक्शन दे, न्यायालय को इस प्रकार का निर्देश जारी करे जिससे लोगों का कल्याण हो सके, लोगों की भलाई हो सके। तो पब्लिक इंटरेस्ट जो पीआई होती है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो होती है वो सोसाइटी के लिए होती है, सोसाइटी मतलब समाज के हित के लिए लगाई जाती है, जन कल्याण के लिए लगाई जाती है, इसीलिए इसको रिप्रेजेंटेटिव सूट भी कहा जाता है, प्रतिनिधिवाद भी इसे कहा जाता है। प्रतिनिधि मतलब व्यक्ति प्रतिनिधि बनकर आया है, उसे उसको खुद को कुछ भी नहीं चाहिए, वो प्रतिनिधि यानी दूसरे का प्रतिनिधि बनकर न्यायालय से मांग करता है कि न्यायालय इस मामले में दिशा निर्देश दे और लोगों के अधिकारों की रक्षा कर सके। नो पर्सनल इंटरेस्ट, ऐसे व्यक्ति का कोई व्यक्तिगत अथवा निजी हित नहीं होता है, ये होती है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, यानी इसको जनहित याचिका कहते हैं। ठीक इसका उल्टा प्राइवेट लिटिगेशन जो होती है, प्राइवेट लिटिगेशन यानी कोई निजी व्यक्ति अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए न्यायालय में यदि कोई याचिका लगाता है, कोई वाद लगाता है, तो इसे प्राइवेट लिटिगेशन कहा जाता है। ओन इंटरेस्ट यानी इसमें खुद का भला छुपा रहता है, ओन यानी स्वयं का लाभ या स्वयं के लिए न्यायालय से कुछ मांग करता है और ये द्विपक्षीय होता है, ये बाई पार्टी होता है, यानी इसमें एक व्यक्ति जो याचिका करता है और अपोनेंट पार्टी के खिलाफ वो केस लगाता है। अब दोनों में यदि हम डिफरेंस देखें तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो होती है लोकहितवाद और प्राइवेट निजी वाद जो होता है, दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जनरल पब्लिक के लिए यानी आम नागरिकों के लिए लगाई जाती है, आम लोगों के लिए लगाई जाती है, लेकिन प्राइवेट याचिका ओन बेनिफिट यानी स्वयं के लाभ के लिए लगाई जाती है। दूसरा अंतर है प्रोटेक्शन ऑफ सोसाइटी, इसमें समाज के अधिकारों की रक्षा की मांग की जाती है, समाज के किसी वर्ग, समाज में रहने वाले किसी वर्ग के अधिकारों की रक्षा की मांग करने के लिए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लगाई जाती है, लेकिन इसमें पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए यानी खुद का निजी संरक्षण के लिए जो याचिका लगाई जाती है उसे प्राइवेट लिटिगेशन कहा जाता है। ये कोई बाय पार्टी नहीं होती, ये कई बार बहुत सारे लोगों के अगेंस्ट होती है, स्पेशली गवर्नमेंट के बहुत सारे विभागों के अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होती है, लेकिन ये नॉर्मली बाय पार्टी होती है, द्विपक्षीय होती है। इसके बाद पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो होती है ये प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट लिए होते हैं, प्रोस्पेक्टिव मतलब भविष्यलक्षी। कानून के दो इफेक्ट होते हैं, एक तो भविष्यलक्षी यानी आज अगर कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है तो ये भविष्य में लागू होगा, एक तो भविष्यलक्षी होती है। और या प्राइवेट अगर हम बात करें, प्राइवेट लिटिगेशन जो होती है वो रिट्रोस्पेक्टिव होती है, भूतलक्षी होती है, भूतलक्षी मतलब इसका जो प्रभाव है वो भूतकाल से प्रारंभ हो जाएगा, लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में भविष्यकाल यानी आगे से इसके प्रभाव प्रारंभ होते हैं। इसके बाद पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में न्यायालय बहुत ही उदार रूप अपनाती है, इसीलिए ये इजी और प्रॉम्प्ट होती है, यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आसान होती है, त्वरित होती है, तेजी से होती है, लेकिन ये स्ट्रिक्ट होती है और डिलेड होती है। चूंकि बाई पार्टी है तो आपको अपने एविडेंसेस को क्लियर कट रखने पड़ेंगे, तो इसलिए प्रोसीजर बड़ी स्ट्रिक्ट है और डिलेड, इसमें समय भी लगेगा। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में जो एविडेंस होते हैं उसका एप्रिसिएशन न्यायालय कोई इतना ज्यादा डीप में नहीं करती है, प्रथम दृष्टया यदि मामला सिद्ध हो जाता है तो निर्देश जारी हो जाते हैं, तो यहां पर जो एविडेंस होते हैं उसको एप्रिसिएट करने के लिए कोई स्ट्रिक्ट फॉर्मूला नहीं है। लेकिन यदि हम प्राइवेट की बात करें तो प्राइवेट में एविडेंस को स्ट्रिक्टली इवेल्युएट किया जाता है, मतलब न्यायालय चूंकि दो पार्टी के अधिकार और कर्तव्यों की बातें आ रही है तो न्यायालय ऐसे मामले में थोड़ा स्ट्रिक्ट व्यू अपनाती है और जो एविडेंसेस प्रस्तुत किए गए हैं उस एविडेंसेस साक्ष्यों का एप्रिसिएशन बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करके किया जाता है।
दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन राज्य के खिलाफ होती है, अधिकतर राज्य के खिलाफ होती है, यानी अपोनेंट पार्टी जो होती है वो स्टेट होती है, स्टेट के विभाग होते हैं, क्योंकि वे कर्तव्य जो राज्य को करने होते हैं राज्य ने नहीं किए, इसीलिए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल की जाती है कि राज्यों द्वारा फला फला चीजों पे अधिकारों का उल्लंघन होने पर राज्य द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है, ऐसी मांग होती है। लेकिन ये पर्सनल भी हो सकती है, किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ भी हो सकती है, किसी लीगल बॉडी के खिलाफ भी हो सकती है, मतलब वैधानिक बॉडी लीगल अंग के खिलाफ भी हो सकती है प्राइवेट लिटिगेशन। इट कैन नॉट विड्रॉ, यदि आपकी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एक्सेप्ट हो गई है न्यायालय में तो आप उसको विड्रॉ नहीं कर सकेंगे, लेकिन इधर प्राइवेट याचिका को आप एट एनी टाइम किसी भी समय में विड्रॉ कर सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है दोस्तों, शीला बारसे वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का केस, जो यहां पर बहुत ही उल्लेखनीय है। शीला बारसे वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1968 में न्यायालय ने टिप्पणी की थी कि अधिकारों के प्रवर्तन के लिए, मतलब लोगों के अधिकारों के प्रवर्तन के लिए, समाज में रहने वाले विभिन्न वर्गों के अधिकारों के प्रवर्तन के लिए जो याचिका लगाई जाती है वह जनहित याचिका होती है, और जनहित याचिका लगाने वाले का उसमें कोई हित नहीं होता है, उसका कोई बेनिफिट नहीं होता है, वह तो दूसरे लोगों के अधिकारों के प्रवर्तन के लिए न्यायालय के सामने आया है और वह न्यायालय से मांग करता है कि न्यायालय उसके लिए कुछ निर्देश जारी करे। तो ये मित्रों डिफरेंस बिटवीन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एंड प्राइवेट इंटरेस्ट लिटिगेशन। आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर, काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल लॉ इजी। थैंक यू सो मच।